स्वागत है आपका धका धक न्यूज चैनल में। मैं सूरज धका धक आया हूं आप लोगों के साथ लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग देने। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि कोरोना का सेकेंड वेव आ चुका है और ये कितना खतरनाक है आप लोग शहरों में जाके देख सकते हैं। और मैं आया हूँ अपने गाँव पर, यहाँ से आपको लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने गांव की ओर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। चलिए उन लोगों के सामने आप लोगों को लेके चलता हूं और उनसे पूछेंगे कि क्या वो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो बने रहिए धका धक न्यूज चैनल पे। चलिए दो लोग बैठे हैं वहां, आप लोगों को ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दोनों लोग वो भाग चुके हैं, पता नहीं किस कारण से, किस डर की वजह से, मेरे डर की वजह से भाग रहे हैं। देखिए दो लोग भाग चुके हैं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो जैसा कि मुझे एक आदमी दिख रहा है, चलिए उससे पूछते हैं कि क्या वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। रुको, लाइव आपको रिपोर्टिंग पूछने वाले हैं। चलिए आपको इससे पूछते हैं कि आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या कि नहीं। क्या नाम है वो आपका? मेरा नाम है रंजीत कुमार महतो। तो जैसा कि आप जान सकते हैं लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन लग चुका है और ये कितना खतरनाक है। तो जैसा कि मोदी सरकार ने कहा है कि दो गज दूरी मास्क है जरूरी, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा यही विचार है कि दो गज दूरी पास है बीड़ी। और आप जान सकते हैं कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। आपका मास्क कहाँ है? मेरा मास्क दिख नहीं रहा है आपको? ये मास्क है नहीं, मास्क आपका मुंह और नाक ढका होना चाहिए, वो मास्क से आपको लगाना है और सैनिटाइजर बार बार हाथ धोते रहना है आपको। बताइए इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या आप तो सही बोल रहे हैं, मास्क लगाना जरूरी, लेकिन मेरा ये न्यू डिजाइन का है, 2021 मॉडल का है। जरा माइक पकड़ना। जैसा कि देख सकते हैं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, मास्क भी पहनना नहीं जानते कौन सा आपको मास्क पहनना चाहिए। तो आपका मास्क में पहनिए तो आपका नाक और मुंह ढका होना चाहिए, ऐसा मास्क आपको पहनना चाहिए, ना कि वो क्रिस वाला मास्क। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।